हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं मुकेश ब्लॉगर, और मैं हूं मुकेश कुमार, जो कि आज हम सबसे कम बजट में कार दिखलाएंगे, जो कि मात्र 45,000 में कार लेके आप सपना पूरा करेंगे। का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ दिक्कत था मेरे साथ, कैमरा का कुछ इशू था, इसके लिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। और आज हम देख रहे होंगे फेयर डील हुंडई रांची में आए हुए, जो कि एज प्रोमिस शोरूम, जो कि अप्रूव्ड यूज कार आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे कम बजट में कार आपको मिलता है और बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, जो कि देख रहे हैं यहाँ का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कार देख रहे हैं, कचाकच भरा हुआ है और बहुत सारे कार यहाँ पे अवेलेबल देख रहे होंगे, सियाज वगैरह, जो कि मारुति का कार यहाँ पे दिख रहा, हुंडई का सर्टिफाइड कार अंदर में लगा हुआ, जो कि ग्रैंड आइटन आपको हम लोग दिखलाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी कंडीशन वाला कार है सबसे पहले दिखलाए, और जो भी कुछ खर्चा वाला कार है उसको हम लास्ट में दिखाएंगे। तो चलिए मेरे वीडियो को साथ बने रहिए और वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको, जो कि ये जो कार देख रहे हैं मात्र 45,000 में ये कार आपको हम दिलाएंगे, जो कि मारुति का जेन 1000 cc के साथ आता था, 2003 मॉडल की कार, 2023 तक वैलिड है। इसको आज हम 45,000 में सेल करेंगे और मात्र 45,000 में इतनी मजबूत कार, जो कि पहले जो मारुति की जो कार आती थी जेन, वही कार देख रहे होंगे, 800 से थोड़ा पावर ज़्यादा है इसका, जो कि 1000 cc के साथ आता है। ये गाड़ी आप मात्र 45,000 में लेके आप सपना पूरा करेंगे। इसका एक बार हम इंटीरियर देख लेते हैं, इंटीरियर दिखलाओ ना एक बार इधर, जो कि देख रहे हैं यहाँ पे फुल लेदर सीट कवर इसमें लगा हुआ है, और एक छोटा फैमिली के साथ आप आराम से इसमें मौज मस्ती कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं। और ये सब गाड़ी का अगर देखेंगे एसेसरीज वगैरह सामान वगैरह, तो हर एक स्टोर में आपको अवेलेबल मिल जाता है, इसीलिए मारुति जेन 800 का काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है। और ये जो कार देख रहे हैं आप डीजल में, जो कि फोर्ड फिगो देख रहे हैं, और ये इंटीरियर देख रहे हैं काफ़ी अच्छा इंटीरियर देख रहे हैं, जो कि फुल लेदर सीट कवर इसमें लगा हुआ है, और ये डीजल गाड़ी है। इसका माइलेज अगर हम देखेंगे तो 20 प्लस का इस कार में आपको माइलेज देखने को मिलता है, जो कि 2013 का वाइट कलर में आप कार देख रहे हैं, और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इंश्योरेंस भी आपको अप टू डेट मिल जाएगा। तो इसका अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो मात्र आप इसको 1,70,000 में इसको आप परचेज कर सकते हैं। और तो चलिए गाइस, हम इस कार का बात करते हैं, जो कि स्विफ्ट डिजायर VXi 2013 मॉडल वाइट कलर में। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट भी रहता है कि डिजायर हमें वाइट कलर में चाहिए, और डिजायर को काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि माइलेज परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी का रहता है। और इंटीरियर वगैरह देख रहे तो फुल लेदर का सीट कवर इसमें लगा हुआ है, जो कि आप देख रहे ओरिजिनल इसमें डिजायर का सीट कवर लगा हुआ है, नीचे देख रहे मेट वगैरह दिया हुआ है, गाड़ी लगभग 50 से 60 के आसपास चला हुआ, क्योंकि इसमें चाबी देख रहे नहीं लगा हुआ, बट ज़्यादा चला नहीं, 50-60 से ज़्यादा ये गाड़ी नहीं चला है। पीछे भी देख रहे हैं तो पीछे का भी सीट काफ़ी अच्छा है, और स्क्रैचलेस गाड़ी, कहीं भी स्क्रैच इस कार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इसका हम प्राइस देखेंगे, जो कि फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2013 का मॉडल है, और इसका प्राइस मात्र 3,70,000 में इस कार को आप परचेज कर सकते, एक वाइट कलर में आप इसको लेके अपना सपना पूरा कर सकते हैं, आप भाड़ा वगैरह में चला सकते हैं। देख रहे हैं शादी ब्याह में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है इस कार को, और माइलेज देखेंगे तो 20 का एवरेज आपको इस कार में देखने को मिलेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट कार की ओर। तो चलिए हम इस कार का बात करते हैं, जो कि आप सेलेरियो देख रहे हैं 2014 मॉडल, और ये देख रहे होंगे जो कि बैंक मैनेजर का कार है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये गाड़ी आप देख रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर काम है, जो कि आपको यहाँ पर काम मिलेगा, ये क्लियर मिलेगा, मतलब कोई भी स्क्रैच इस कार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे तो ऐसे भी परचेज कर सकते हैं, उसका इंक्लूडिंग हम लोग नहीं करेंगे, और ये अगर चाहते हैं कि ये भी हम लोग को बना के चाहिए तो ये भी आपको बना के मिल जाएगा। और इंटीरियर देख रहे काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेस्ट आपको वाइट कलर में सेलेरियो का देख रहे हैं, यहाँ पे लेदर का फुल सीट कवर यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे में मेट वगैरह दिया हुआ है, और ये जो गाड़ी देख रहे AGS AGS गाड़ी, यानी कि ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटो गियर शिफ्ट गाड़ी, जो कि आप देख रहे होंगे AGS मारुति का सबसे पहला गाड़ी जो कि सेलेरियो पे आया हुआ था, और ये फर्स्ट ही गाड़ी है जो जिसमें कि AGS दिया गया था। और ये गाड़ी अगर देखेंगे किलोमीटर तो लगभग 70,000 के आसपास चला हुआ है, माइलेज तो आप जान रहे हैं मारुति का 20 का ही माइलेज मिलता है, ऐसे नॉर्मल सिटी पे 18 का मिलेगा। और इस गाड़ी को आप देख रहे हैं तो मात्र 2,75,000 में इसको परचेज कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट ओनर एक बैंक मैनेजर का कार है, तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया कंडीशन में है।
और चलते हैं हम नेक्स्ट कार की ओर, जो कि देख रहे हैं यहाँ पे सियाज। सियाज कुछ दिन से रुका हुआ है क्योंकि देख रहे हैं शीशा वगैरह कुछ इसमें देख रहे हैं, लेकिन बट ये गाड़ी आप परचेज कर सकते हैं। एक सेडान कार, एक प्रीमियम सेडान में आप इसको परचेज कर सकते हैं, जो कि 2016 मॉडल की कार सियाज है। और देख रहे सिल्वर कार में, जो कि VDI यानी सेकेंड मॉडल कार है, और टायर वगैरह देख रहे हैं काफ़ी अच्छा कंडीशन में। अगर इसका हम देख रहे हैं इंटीरियर भी देख रहे हैं, तो फुल लेदर सीट कवर इसमें लगा हुआ। ये गाड़ी जो है लगभग हमको लग रहा है सेकेंड या लगभग सेकेंड ओनर गाड़ी है। और इसका अगर प्राइस की बात करते हैं, 4,95,000 में इसको आप परचेज कर सकते हैं। और देख रहे किस तरह का कंडीशन है गाड़ी का, हम चारों तरफ से आपको वीडियो दिखला रहे हैं, जो कि गाड़ी काफ़ी अच्छा एक सिल्वर कलर में आपको देखने को मिल रहा है। और ये डीजल गाड़ी है, अगर इसका हम माइलेज देखेंगे तो 24 से 25 का इस कार में आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर, जो कि देख रहे हैं ये हुंडई का जो कि सर्टिफाइड कार, इसमें जो कि देख रहे सिल्वर कलर का, जो कि i20 एक्टिव। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट था, एक समय तो ऐसा हो गया था कि i20 एक्टिव मार्केट पे नहीं मिलता था, बट अभी हमारे शोरूम पे स्टॉक में आया हुआ है, जो कि सेकेंड हैंड देख रहे हैं, 2019 मॉडल देख रहे हैं। थोड़ा बहुत काम है, जो कि आपको ये सब काम यानी क्लियर करा के यानी न्यू कंडीशन में आपको कार मिलेगा, जो कि 2019 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी, जो कि बैंक मैनेजर का ये भी गाड़ी है। और मात्र 30,000 चला हुआ ये गाड़ी, और इसका अगर हम देखेंगे फर्स्ट ओनर गाड़ी इंटीरियर हम दिखलाते देख रहे होंगे, यहाँ पर पूरा लेदर का सीट कवर लगा हुआ है, नहीं खुलेगा। इसमें लेदर का देख रहे हैं सीट कवर लगा हुआ है, और गाड़ी बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, एक सर्विसिंग हो चुका है, ये गाड़ी अभी तक चला नहीं मार्केट में, लेकिन सर्विसिंग किया गया है इस गाड़ी में, मोबिल वगैरह चेंज करवा के। और इसमें आपको सर्टिफाइड कार में 1 साल का वारंटी, 2 सर्विस आपको फ्री मिलेगा। और अगर इसका हम प्राइस की बात करते हैं, तो 5,70,000 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। 2019 का कार आपको फर्स्ट ओनर गाड़ी इतना बढ़िया कंडीशन में, i20 एक्टिव एस मॉडल है, जो कि सेकेंड मॉडल हम लोग बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर, जो कि ये जो गाड़ी देख रहे हैं एटियोस यानी कि टोयोटा का एटियोस, और ये जो गाड़ी देख रहे हैं पेट्रोल गाड़ी है। और इसका अगर हम मॉडल देखेंगे 2013 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी, और मात्र ये 42,000 के लगभग ये गाड़ी चला हुआ था। इंटीरियर में देख रहे हैं सीट कवर इसमें भी लगा हुआ, नीचे मेट वगैरह इस कार में देखने को मिल जाएगा। और इसका अगर हम प्राइस की बात करते हैं, तो मात्र 2,70,000 में इसको आप परचेज कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट ओनर गाड़ी। इंश्योरेंस भी आपको अप टू डेट इस कार में मिल जाएगा। और ये जो गाड़ी देख रहे हैं टाटा सफारी डेकोर, जो कि 2012 मॉडल का फर्स्ट ओनर गाड़ी देख रहे हैं, टॉप मॉडल गाड़ी, LIB वगैरह लगा हुआ है इस कार में। कुछ बहुत हद तक काम है, जो कि आप करवा लीजिएगा तो काफ़ी बेस्ट ये गाड़ी रहेगा। और मात्र इसको आप 2.5 लाख में इसको परचेज कर सकते हैं, जो कि वाइट कलर में देख रहे हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट कार की ओर, जो कि गाड़ी और भी बहुत सारे लगा हुआ उधर दिखाते हैं आपको, i10 वगैरह, जो कि सर्टिफाइड कार में यहाँ पर देख रहे हैं आपको दिखला रहे हैं। गाइज आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट था कि सर्टिफाइड कार चाहिए, तो सर्टिफाइड कार अभी हमारे पास 3 कार स्टॉक में, जो कि i20 आपको बाहर में दिखलाएं, और यहाँ पे देख रहे ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स, और एक देख रहे ग्रैंड i10 आस्था मॉडल, जो कि टॉप मॉडल, ये सेकेंड मॉडल कार है। और 2019 का दोनों मॉडल है, कार भी देख रहे काफ़ी अच्छा कंडीशन में, 1 साल का वारंटी, 2 सर्विस आपको इस कार में देखने को मिलेगा। और ये ग्रे कलर में देख रहे होंगे, गाड़ी का कंडीशन आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें देख रहे हैं ये टॉप मॉडल गाड़ी है, जो कि LIB वगैरह लगा हुआ है। ये गाड़ी का अगर किलोमीटर देखेंगे लगभग 30,000 के आसपास ये गाड़ी चला हुआ है, और ये गाड़ी मात्र 18,000 चला हुआ है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, जो कि टॉप मॉडल गाड़ी आप देख रहे हैं। और ये भी डॉक्टर का गाड़ी है, आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया कंडीशन में एक डॉक्टर का गाड़ी रहता है। तो चलिए हम इसका पहले प्राइस की बात करते हैं, जो कि ये ग्रे कलर स्पोर्ट्स 2019 मॉडल का कार, इसका 4,75,000 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। इंटीरियर वगैरह काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको वारंटी भी दिया जा रहा है, और 2 सर्विस भी आपको फ्री मिलेगा। इंटीरियर वगैरह देख रहे हैं, इसमें टच स्क्रीन वगैरह सारा कुछ लगा हुआ, डिस्प्ले आप देख रहे हैं। ये जो कार देख रहे हैं 2019 मॉडल टॉप मॉडल गाड़ी एस्टा, जो कि LIB वगैरह नीचे में देख रहे हैं, इंटीरियर देख रहे हैं, तो यहाँ पे फुल लेदर का सीट कवर लगा हुआ है। मात्र ये गाड़ी 18,000 किलोमीटर चला हुआ है, टच स्क्रीन वगैरह देख रहे हैं, डिस्प्ले आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है।
इसका हम प्राइस की बात करते हैं तो मात्र 5,25,000 में इसको परचेज कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है जो कि स्विफ्ट का टक्कर गाड़ी है, और उससे बढ़िया इंजन और उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस ये गाड़ी सबको भाता है और सबसे ज़्यादा पसंद भी लोग करते हैं। अभी तो ग्रैंड हाइटेड नियोस अपडेट आया हुआ है, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी डॉक्टर गाड़ी आप परचेज कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट कार की ओर जो कि और भी बहुत सारे कार आया हुआ, और ये जो गाड़ी देख रहे TUV 300 जो कि ये गाड़ी हम लोग लगभग 10 से 15 दिन पहले ये गाड़ी आया हुआ था। ये गाड़ी फंसा हुआ था बट सेल हो चुका है, लोन के लिए रुका हुआ था बट ये गाड़ी अब सेल आउट हो चुका है। काफ़ी बेस्ट गाड़ी था जो कि बहुत से लोग कमेंट भी किए थे। हम चलते हैं नेक्स्ट कार जो कि टाटा सफारी स्टॉर्म 2015 मॉडल का गाड़ी आया हुआ था। ये भी गाड़ी ऑलरेडी सेल हो चुका है जिसका मैं वीडियो ऑलरेडी दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं आज लेट से आया हूँ। और ये सब इको स्पोर्ट वगैरह आप ले सकते हैं जो कि कुछ दिन से पड़ा हुआ है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, पहले भी मेरा वीडियो में आया हूँ। इसका डिटेल अगर देखेंगे तो 2015 मॉडल का गाड़ी है और डीजल गाड़ी सिल्वर कलर में आप देख रहे हैं। ये जो गाड़ी देख रहे हैं मात्र आप इसको 50,000 में आप इसको परचेज कर सकते हैं, टाटा नैनो जो कि बहुत से लोग ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि माइलेज सबसे ज़्यादा इस कार में देखने को मिलता है। 600 सीसी का इंजन आता है और ये माइलेज देखेंगे 25 KMPL का माइलेज आपको मिलता है। और इसका प्राइस देखेंगे जो कि 2013 मॉडल का कार देख रहे हैं, मात्र इसको आप 50,000 में इसको परचेज कर सकते हैं। और ये टॉप मॉडल गाड़ी है जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर स्टेयरिंग वगैरह सारा कुछ मिलता है, एसी हीटर सारा कुछ इस कार में दिया हुआ है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह नीचे में देख रहे हैं, मेट वगैरह इस कार में देखने को मिलता है और पीछे में भी देख रहे हैं तो मेट वगैरह इसमें दिया हुआ है। और गाड़ी काफ़ी अच्छा कंडीशन में है, टायर कंडीशन देखेंगे तो बहुत हद तक ठीक है जो कि 35 से 40% इसमें ग्रिप जो है वो बचा हुआ है। मात्र आप इसको 50,000 में इसको परचेज कर सकते हैं जो कि 2013 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी को आप ले सकते हैं। और ये जो गाड़ी देख रहे हैं स्विफ्ट VDI जो कि सेकेंड मॉडल गाड़ी व्हाइट कलर में, और ये जो गाड़ी देख रहे हैं डीजल गाड़ी है। और ये जो गाड़ी देख रहे हैं इंटीरियर वगैरह दिखला रहे हैं आपको जो कि फुल लेदर सीट कवर लगा हुआ है इस कार में, और पीछे भी देख रहे थे फुल लेदर सीट कवर लगा हुआ है। गाड़ी व्हाइट कलर में आपको देखने को मिले, भाड़ा में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है स्विफ्ट, और व्हाइट कलर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद भी करते हैं और शादी ब्याह वगैरह में देख रहे होंगे तो व्हाइट कलर ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है। गाड़ी में देख रहे कुछ आगे से कुछ काम वगैरह दिख रहा जो कि आप चाहे तो आप खुद से क्लियर करवा सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे आपको गाड़ी लेने से पहले अगर बोलिएगा तो यहाँ पे पेंट वगैरह सारा कुछ हो के आपको ये गाड़ी नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा। इसका हम प्राइस की बात करते हैं तो मात्र 3,20,000 में इसको परचेज कर सकते हैं जो कि 2013 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और लगभग 60 से 70 के आसपास ये गाड़ी चला हुआ है। तो गाइज आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सेंट्रो चाहिए सेंट्रो चाहिए, तो आप सेंट्रो ले सकते हैं। सेंट्रो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करता है, मैं खुद का सेंट्रो यूज कर रहा हूँ जो कि न्यू कार लिया हुआ, और ये जो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हुंडई को सक्सेसफुल बनाने में इसी का हाथ था जो कि सेंट्रो आने के साथ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुआ जो कि 1100 cc के साथ में आता था। ये गाड़ी जो देख रहे फर्स्ट ओनर गाड़ी 2006 मॉडल का गाड़ी है, और ये गाड़ी फर्स्ट ओनर गाड़ी है जो कि इंटीरियर वगैरह आपको दिखला रहे हैं और टायर वगैरह देख रहे हैं, आगे का दोनों टायर नया लगा हुआ, पीछे का देख रहे थोड़ा सा लूज टायर इसमें देख रहे होंगे, और सेंट्रो जिंग है जो कि यहाँ पे देख रहे आगे में पावर विंडो नहीं है। बट ये जो गाड़ी देख रहे 2006 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी, मात्र ये गाड़ी 60 से 70 हज़ार के आसपास ये चला हुआ, म्यूजिक सिस्टम वगैरह देख रहे तो इस कार में म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा हुआ है। और ये जो गाड़ी रजिस्ट्रेशन देख रहे 2026 तक इसका रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस भी आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा, और ये गाड़ी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, मात्र इसको आप 90,000 में इसको आप ले सकते हैं और फैमिली के साथ आप घूम सकते हैं। मैं खुद का यूज कर रहा हूँ सेंट्रो, काफ़ी बेस्ट गाड़ी है, लगभग सिटी पे 15 का माइलेज मिलता है और इसे हाईवे में जाइएगा तो 17-18 का इस कार में देखने को आपको माइलेज मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा मजबूत कार में कहीं भी जाने के बाद ये नहीं कि भरोसा नहीं कि जवाब दे दे आज कल, ऐसा कार नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। तो गाइज आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है कि i10 चाहिए, एक i10 हम लोग पास एक ही बचा हुआ, लगभग 4 से 5 i10 था हम लोग पास बट सेल हो गया। ये गाड़ी देख रहे 2010 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी ग्रे कलर में आप देख रहे हैं, और ये जो गाड़ी देख रहे टायर वायर कंडीशन देख रहे तो न्यू टायर आगे में लगा हुआ, पीछे का टायर थोड़ा सा नॉर्मल है। इसमें देख रहे डोर बिट जो कि फ्रंट में निकला हुआ बट इसको आप लगा सकते, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है ये गाड़ी में, और काफ़ी अच्छा पीछे से देख रहे जो कि i10
मैग्ना है 2010 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी, मात्र 60 से 70 हज़ार के आसपास ये गाड़ी चला हुआ है। और ये इस गाड़ी का अगर हम प्राइस देखेंगे तो मात्र 1,70,000 में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कंडीशन में आप देख रहे हैं। थोड़ा बहुत बीट वगैरह, थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह आपको आगे में देखने को मिल रहा है, बट पीछे से काफ़ी अच्छा लुक देखने में इस कार में लग रहा है। और ये जो गाड़ी देख रहे हैं 2014 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी, अगर इसका हम प्राइस की बात करते हैं तो मात्र 2,85,000 में इसको आप परचेज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कंडीशन में देख रही है। गाड़ी बहुत दिन से खड़ा हुआ है, इसीलिए आपको लग रहा हो कि ये पुराना गाड़ी है, बट कंडीशन काफ़ी अच्छा है। और इतना सारे कार का आप कलेक्शन देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल कलेक्शन है। और मेरा वीडियो बहुत दिन बाद आया, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट था कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो गाइज, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट था कि 1,00,000 के बजट में कोई कार चाहिए, जो कि छोटा कार भी हो, फैमिली इसमें आराम से घूम सकते हैं। माइलेज तो आप लोगों को पता है 20 का इसमें मिलता ही मिलता है। और ये 2013 मॉडल का, जो कि एसी के साथ देख रहे हो, वाइट कलर में, मारुति 800, काफ़ी ज़्यादा डिमांड वाली कार है। ये गाड़ी जल्दी रुकता नहीं है, क्योंकि बहुत लोग पसंद भी करते हैं और इसको कहीं भी आप आसानी से ले जा सकते हैं। गांव वगैरह हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है इस कार को। और ये गाड़ी लगभग 83,000 के आसपास चला हुआ है। इसमें देख रहे हैं फुल लेदर सीट कवर इस कार में लगा हुआ, नीचे में देख रहे हैं मेट वगैरह लगा हुआ है, और म्यूजिक सिस्टम वगैरह देख रहे हैं इसमें लगा हुआ, जो एसी के साथ ये कार देख रहे हैं। और इसका अगर हम प्राइस देखेंगे तो मात्र आप इसको 1,00,000 में परचेज़ कर सकते हैं, जो कि वाइट कलर में। और गाड़ी का कंडीशन तो आप देखे रहे, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है। ये भी गाड़ी देख रहे हैं वेगनार 2014 मॉडल, सेम उसी तरह का कंडीशन है, लेकिन उससे थोड़ा सा बढ़िया ये गाड़ी हम देख रहे हैं। और वेगनार भी एक साइज, जो कि आप देख रहे हैं इंटीरियर में देख रहे हैं, तो फुल लेदर का सूट कवर लगा हुआ है। गाड़ी लगभग देखिएगा तो 70 से 75 हज़ार के आसपास ये भी गाड़ी चला हुआ है। और टायर वगैरह देख रहे हैं काफ़ी अच्छा कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। इसका प्राइस की बात करते हैं तो मात्र आप 2,85,000 में इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, जो कि ग्रे कलर में आपको देखने को मिल रहा है। ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर, जो कि सेंट्रो। बहुत ही कम बजट में आपको ये सेंट्रो देखने को मिल जाए, जो कि 2005 मॉडल की कार आप देख रहे हैं। मात्र आप इसको 75,000 में आप इसको परचेज कर सकते हैं, जो कि सेंट्रो इस तरह का कंडीशन में आप देख रहे हैं। और अगर देखिएगा कॉमर्शियल यूज के लिए तो काफ़ी अच्छा ये गाड़ी, थोड़ा सा बाहर में देख रहे हैं पेंट वगैरह आपको इस टाइप में लग रहा होगा, बट ये गाड़ी का इंजन वगैरह बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। और सीट कवर देख रहे हैं तो लगा हुआ है गाड़ी में, म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी ग्रे कलर में आपको देखने को मिलता है। इसका प्राइस अगर हम देखेंगे तो मात्र आप इसको 75,000 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। और सेंट्रो जिंग है, टायर कंडीशन काफ़ी अच्छा है इसका। अगर हम देखेंगे जो कि 2026 तक इसका भी रजिस्ट्रेशन बचा हुआ है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, और इस गाड़ी को आप ले सकते हैं। एक गाड़ी आप देख रहे गेट, जो कि ये सब गाड़ी जो देख रहे 2010 मॉडल का वाइट कलर में गेट जो आप देख रहे हैं, मात्र इसको 1,00,000 में परचेज कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम वगैरह देख रहे लगा हुआ है। स्कोडा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा कार आता है स्कोडा का, देख रहे आगे में कुछ बहुत काम दिख रहा है, जो कि बम्पर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं या तो फिर छोड़ सकते हैं, ये आप लोग पर डिपेंड करता है। बट ये गाड़ी देख रहे 2010 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी है, रेड कलर में, स्क्रेच वगैरह काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बना सकते हैं अगर पेंट वगैरह आप करवा के। और ये जो गाड़ी देख रही है, हमको लग रहा है टॉप मॉडल गाड़ी, जिसमें कि आपको एलआईबी वगैरह देखने को मिल रहा है। पीछे का टायर देखने को तो ये स्टेपनी टायर है, इसलिए उसमें लगा नहीं। और ये पेट्रोल इंजन के साथ में आता है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह देख रहे तो लगा हुआ इस कार में। नीचे में देख रहे मेट वगैरह लगा हुआ है, सीट वगैरह देख रहे, सीट कवर इसमें लगा हुआ है, जो कि 2010 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी। मात्र आप इसको 1,50,000 में आप परचेस कर सकते हैं। इसमें इंश्योरेंस भी आपको अप टू डेट इस कार में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को इसी में इन करते हैं और देखेंगे बहुत सारे कार आने वाले। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई कार आपके पास में, आप चाहते हैं कि बेचना है हमें, तो आप बेच सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेट भी आपको मिल जाएगा। और कोई भी कार में अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंपनी का नंबर भी दिया रहेगा, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए, मैं वीडियो को इसे मीन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।